नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यानी जब भी हम किसी से मिलते हैं तो पहली मुलाकात में हम किसी से जो इम्प्रेशन लेते हैं उसके बारे में जो एक हमारा सोच विचार बन जाता है, हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, वो परमानेंट रहती है। और दोस्तों, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं नेचुरली, तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है उस आदमी के फेस पर, क्योंकि जो फेस होता है वहीं पे नज़र जाती है। जब आप किसी से बात करते हो तो भी आपकी नज़र कहीं ना कहीं उन पे फेस पे रहती है, या अगर आप किसी को दूर से देखते हो तो भी कहीं ना कहीं हर आदमी का जो आपका जो व्यू है वो उनके चेहरे पर ही फोकस रहता है, क्योंकि आप फेस से किसी को रिकॉग्नाइज करते हो। और दोस्तों, कुछ लोगों का फेस और जो चेहरा है इतना अट्रैक्टिव होता है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, उनके फेस पे आपको स्माइल देखने को मिलेगी, स्किन में एक ग्लो होगा, चेहरे में एक चमक मिलेगी, जिसके कारण अक्सर वो आदमी आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम लंबे समय में किसी से मिलते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि उनकी सोच विचार कैसी है, बेसिकली वो अंदर से कैसे हैं। लेकिन शुरू के अंदर जो फर्स्ट इंप्रेशन, वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ड्रेसिंग, उनका फेस ही है जो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप उनके लिए एक इंप्रेशन बना लेते हैं। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि उनके फेस पर एक ग्लो रहे, चेहरे पे एक चमक रहे, चेहरे पे कोई दाग धब्बे वगैरह नहीं हो, कोई झाइयां नहीं हो, यानी सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका फेस अट्रैक्टिव दिखे। दोस्तों, उसी में पर्टिकुलरली जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो कॉलेज वाले बच्चे हैं या जो लेडीज हैं, वो पर्टिकुलरली अपनी लुक्स को लेकर और ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उनका लुक्स के ऊपर थोड़ा सा इस एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, कई तरह की क्रीम्स आती है, दूसरे प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपको क्लेम करते हैं कि यस, आप इसको यूज़ करें तो आपके चेहरे से दाग धब्बे हट जाएंगे, पिंपल्स हट जाएंगे, एक्ने हट जाएंगे, या आप जो है आप थोड़े सांवले हैं तो उससे गोरे दिखने लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें कोई चमत्कार होता भी नहीं, हम सब ये जानते हैं। और अक्सर ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के बाद में अक्सर उनका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल बेस होता है। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, बर्बेरिस एक्विफोलियम। दोस्तों, बर्बेरिस एक्विफोलियम मेडिसिन जो है आपको अंदर से सुंदर बनाती है, यानी आपके अंदर से जो है ब्लड का प्योरिफिकेशन करती है, आपका जो खून है आप कहते हैं कि उसको प्योर करती है। उसी के साथ के अंदर आपके चेहरे के अंदर किसी भी कारण से अगर कोई स्पॉट है, दाग धब्बे हो गए हैं, कोई झाइयां हो गई है, कील मुहासे हो गए हैं, इस तरह से किसी भी कारण से अगर आपका फेस का जो है उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो गई है, और स्किन अगर आपको लगता है कि बेजान महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं जो है स्किन के अंदर वो ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, तो उसके लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम जरूर यूज की जानी चाहिए। दोस्तों, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर हम सब जानते हैं कि एक ही मेडिसिन बहुत सी जगह, मल्टीपल जगह यूज आती है एज पर नीड और सिम्टम्स। अगर हम बर्बेरिस एक्विफोलियम की बात करें तो ये एक हेडेक के भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी वो लोग जिनको कहीं ना कहीं सिरदर्द होता है, जैसे माइग्रेन होता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, या वो लोग जिनको सिर के अंदर ऐसे लगता है कि मेरे सिर के चारों तरफ कोई रस्सी सी बांध दी, एक बैंड सा है, उसके अंदर भी बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो लोग जिनका थोड़ा जीआई डिस्टर्ब रहता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट रहता है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, या जिनको बार बार जुकाम होता है उसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बर्बेरिस एक्विफोलियम के बाकी यूजेस की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह से हमारी स्किन को ग्लो देती है, चमकदार बनाती है, और स्किन पर कोई भी तरह के दाग धब्बे उनको हटाने में मदद करती है। दोस्तों, अगर बर्बेरिस एक्विफोलियम के हम स्किन के यूज़ की बात करें या स्किन पे ये क्या प्रभाव देती है, तो अगर किसी भी कारण से हमारी स्किन खराब हो गई है, जैसे बहुत से कारण हो सकते हैं, अगर यंग एज के बच्चे हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हो एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं, यानी हम जिनको मुहासे कहते हैं वो हो सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों, कई बार आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने और पिंपल्स जब ठीक हो जाते हैं उसके कारण कुछ दाग या धब्बे यानी स्पॉट्स छोड़ देते हैं, स्कैर्स छोड़ देते हैं, उनको भी ये ठीक करने में आपकी मदद करती है। बहुत से केसेस के अंदर हो सकता है कि हमें सोरायसिस हो गया, उसके अंदर भी बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। आपको कोई कारण से प्रूराइटिस यानी अगर खुजली है, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, किसी भी तरह की अगर आपको स्किन में खुजली है या चर्म रोग है, तो उसके अंदर बर्बेरिस एक्विफोलियम दोस्तों जरूर यूज की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से अगर स्किन में कोई भी तरह की खराबी है, एबनॉर्मलिटी हुई है, आपकी स्किन खराब हुई है, तो वहाँ बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, ये कैसे करती है कि जो बर्बेरिस एक्विफोलियम आपके शरीर में, बेसिकली आप एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो आपके खून को साफ करती है। आपने रूटीन में सुना होगा कि और भी बहुत से आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस और आती है, जब आपके डॉक्टर्स भी कई बार बोलते हैं कि आपका थोड़ा खून साफ करने की जरूरत है, तो बर्बेरिस एक्विफोलियम बेसिकली आपके एज ए ब्लड प्योरीफायर काम करती है, जिसके कारण आपके शरीर में इस तरह के जो भी लक्षण आ रहे हैं, चाहे वो झाइयां हैं, चाहे दाग धब्बे हैं, चाहे पिंपल्स हैं, चाहे मुहासे हैं, चाहे कोई तरह के स्पॉट्स हैं या ब्लेमिशेज जो हम बोलते हैं, इन सबको दोस्तों बर्बेरिस एक्विफोलियम दूर करती है। और नेचुरली जब ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो आपके जो फेस पर एक
प्राकृतिक रूप से ग्लो आएगा और आपकी स्किन कहीं ना कहीं चमकने लगेगी। दोस्तों, हम सबकी स्किन का एक नेचुरल कलर होता है, सबका एक टोन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि इसका कलर थोड़ा फेयर है, इसका सांवला है, इस तरह की हम लोग बात किया करते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की बात होता है कि हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको मेलेनिन कहा जाता है। ये मेलेनिन पिगमेंट आपकी स्किन को कलर देता है, लेकिन बहुत से लोगों में मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण उनका कलर काफ़ी डार्क देखने को मिलता है, या कई बार दूसरी जैसी हमने अभी कंडीशंस डिस्कस की उसके कारण भी आपकी स्किन के अंदर मेलेनिन जो पिगमेंटेशन है ये बढ़ जाता है, जिसके कारण आप थोड़े सांवले दिखने लगते हैं या काले दिखने लगते हैं। दोस्तों, जो बर्बेरिस एक्विफोलियम मेडिसिन है ये आपका जो मेलेनिन का पिगमेंट है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद करती है, जिसके कारण अगर आपकी जो स्किन का नेचुरल टोन खराब हो गया है किसी भी कारण से तो उसको ये है जो है कंट्रोल करती है, जिससे धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी स्किन के अंदर जो ग्लो है चमक आ रही है और इन सब के साथ में आपका कलर भी धीरे धीरे फेयर होने लगा है, यानी आप स्किन में थोड़ा सा जो है बदलाव पाएंगे कि आपकी स्किन पहले से गोरी होने लग गई है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, यानी ये स्किन को गोरापन भी देता है बर्बेरिस एक्विफोलियम। इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी भी कारण से आपकी स्किन में रूखापन है यानी ड्राइनेस आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि स्किन बेजान हो गई है, तो उसके लिए भी बर्बेरिस एक्विफोलियम आपको जरूर यूज करनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने अभी बताया कि सबका एक नेचुरल कलर होता है, बाय बर्थ होता है, कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, तो आप ऐसा नहीं समझें कि अगर आप बहुत ज्यादा सांवले हैं, बहुत ज्यादा काले हैं तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम को यूज करेंगे तो कि नहीं मैं बिल्कुल इसको यूज करूंगा और एकदम गोरा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये उसको इंप्रूव करता है, आपका जो कलर का टोन है उसको पहले से सुधारेगा, पहले से आपको जरूर थोड़ा सा जो कलर है आपका फेयर दिखने लगेगा और आपका जो फेस है नेचुरली आपको क्लियर करने में जरूर हेल्प करेगा। कोई भी दाग है, धब्बे हैं, स्पॉट्स है, एक्ने हैं, पिंपल्स है, जहियां, इन सबको हटाने के अंदर बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और इन सब के कारण कहीं ना कहीं अगर आपके लुक्स खराब हो रहे तो इसको ये बिल्कुल ठीक कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करें बर्बेरिस एक्विफोलियम को लेना कैसा है। दोस्तों, बर्बेरिस एक्विफोलियम को हमेशा मदर टिंचर की फॉर्म में लेना चाहिए, यानी बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यों यूज़ किया जाना चाहिए और इसकी डोज हम बात करें कि कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी एक बार में जो डोज है वो 10 ड्रॉप्स यानी 10 बूंद है। आप इसको लेने का अगर तरीका समझें तो एक जो कप होता है चाय पीने वाला वो साफ करके रख लीजिए, उसके अंदर 10 बूंद आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर डालिए, फिर उसके अंदर लगभग आधा कप जो है आप ठंडा पानी डालें। उसके अंदर ठंडे से मतलब दोस्तों फ्रिज का पानी नहीं यूज़ करना, नॉर्मल टेम्परेचर का आपका जो पानी होता है रूम टेम्परेचर, वो पानी उसमें आपको मिक्स करना है, यानी 10 बूंद आपने दवाई ली बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, उसमें फिर आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाला लगभग आधा कप और उसको सिप बाय सिप घूंट घूंट करके दिन में आपको 4 बार पीना चाहिए और ये आपको कम से कम 2-3 महीने तक जरूर यूज़ करना चाहिए। जब आप 2-3 महीने तक यूज़ करते हैं तो आप धीरे धीरे देखने लगते हैं कि आपके फेस के अंदर से सारे दाग धब्बे जहियां जो भी हैं स्पॉट्स है ये सारे हटने लगे हैं, अगर कील मुहासे हैं तो वो भी कम होने लगे और धीरे धीरे आपके फेस के अंदर एक ग्लो और चमक आने लगती है। दोस्तों, इसी के साथ में आप बर्बेरिस एक्विफोलियम को अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, फेस पर लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि इसको आपको गुलाब जल के साथ मिक्स करना चाहिए। बाजार से आप एक कोई भी अच्छी कंपनी का गुलाब जल ले सकते हैं और उसके अंदर जो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर है और जो गुलाब जल है इसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना चाहिए, यानी मान लीजिए आपने एक कप ले लिया, उसके अंदर लगभग 25-30 बूंद आपने गुलाब जल डाला, फिर उसमें 25-30 बूंद आपने बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर डाला, इनको आप प्रॉपरली मिक्स कर लें और उसको आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसको आप कॉटन यानी रुई से भी लगा सकते हैं और जो है अपने हाथ से फिंगर अंगुली से भी लगा सकते हैं। इसको आप पूरे फेस पे लगाएं, इसको आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार लगाना चाहिए। उससे आपके चेहरे के ऊपर जो भी डेड स्किन है यानी जो मृत सेल्स है, जो बेजान स्किन है, वो धीरे धीरे हटने लगेगी और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। इसको भी आपको लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो। इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों कि ज्यादा अच्छा रहता है कि आप या तो इसको नाइट में लगाएं रात में सोते समय, जिससे कि पूरी रात आपके चेहरे पे रहेगा और मेडिसिन को जो है आपके चेहरे पर काम करने का अवसर मिलेगा और सुबह आप इसको धो सकते हैं, या अगर आप दिन में भी घर में हैं और धूल मिट्टी में बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप इसको दिन में भी इसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि बर्बेरिस एक्विफोलियम को दवाई को जो अगर आप पिएंगे धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स करके और इस तरह से गुलाब जल के साथ अगर मिक्स करके चेहरे पे लगाएंगे तो आप 2-3 महीने के अंदर ही देखेंगे आपके चेहरे के अंदर बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सब के साथ मैं आपको और एडवाइस करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर हमेशा ग्लो बना रहे, आपका चेहरा चमकता रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि आप अच्छी डाइट भी लें, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, आप अवॉइड करें कि आपको स्पाइसी फूड नहीं लें, फास्ट फूड्स वगैरह नहीं लें, आप फ्रूट्स वेजिटेबल जूसेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लें और पानी खूब सारा पिए। ये नेचुरल वे के अंदर आपकी स्किन को और बॉडी को क्लीन करता है और मैं इन सब के साथ एडवाइस करूंगा कि हमेशा आप मुस्कुराते रहें और खुश रहें तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से आपके चेहरे की चमक हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, एक अच्छी बात जो मैं आपको और बताऊँ कि इतनी अच्छी मेडिसिन जो आपके लिए
इतनी फायदेमंद है, यह है भी बहुत ही अफोर्डेबल। आप कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लें, जैसे कि मैं रूटीन में जो है SBL कंपनी का बर्बेरिस एक्विफोलियम यूज़ करता हूँ, या फिर आप जर्मन के अंदर रैकवैक भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी कॉस्ट की बात करें हम, तो पर डे यानी एक दिन में सिर्फ 2 से 3 रुपये का खर्चा आता है। आप मार्केट के अंदर से SBL का जो है बर्बेरिस एक्विफोलियम की पैकिंग खरीद सकते हैं, आपको 100 ml के अंदर भी मिल जाती है ये, और इसके बड़े पाउंड भी मिलते हैं जो 450 या 500 ml के भी आते हैं। रैकवैक कंपनी के ये लगभग 22 ml की पैकिंग भी आती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप SBL कंपनी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है हर जगह और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि एक दिन की जो कॉस्ट है वो सिर्फ आपकी 2 से 3 रुपये ही आती है, यानी इतना सस्ता प्रोडक्ट और इतने अच्छे रिजल्ट्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बर्बेरिस एक्विफोलियम पर जानकारी दी है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपके चेहरे की चमक हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।